नागदा में विधानसभा चुनावों को देखते हुए बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशी अपना अपना चुनावी जनसंपर्क कर रहे हैं और मतदाताओं को विकास और रोजगार के लिए वोट देने की अपील कर रहे हैं। इसी के तहत कल कांग्रेस प्रत्याशी दिलीप सिंह गुज्जर के समर्थन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वार्ड क्रमांक 33 में जनसंपर्क किया और प्रदेश में फैली बेरोजगारी के खिलाफ वोट देने की अपील की। जनसंपर्क में युवा नेता हर्ष गुज्जर के साथ कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस कार्यकर्ता राधे जायसवाल ने कहा कि बीजेपी ने पिछले कई वर्षों से जनता को मूर्ख बनाया। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नागदा को जिला बनाने की 3 बार घोषणा मंच से कर गए, लेकिन आज तक नागदा को जिला नहीं बनाया गया। अगर नागदा में कांग्रेस प्रत्याशी दिलीप सिंह गुज्जर चुनाव जीतते हैं तो सर्वप्रथम नागदा को जिला बनाया जाएगा, जिससे रोजगार के अवसर बनेंगे, बेरोजगार उन्हें रोजगार उपलब्ध होंगे। साथ ही महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्राप्त होगी। गैस सिलेंडर 500 रुपए में मिलेगा और ग्रासिक उद्योग से 3500 मजदूर वर्कर को बाहर किया गया है, उन्हें पुनः ड्यूटी पर रखवाने का कार्य कांग्रेस करेगी। नागदा से संजय शर्मा की रिपोर्ट। आज कांग्रेस की तरफ से जो जनसंपर्क किया गया, कौन से वार्ड में किया गया? ये वार्ड नंबर 33 में हमारे पार्षद मेघा देवन, रमेश बियाना जी, रमेश अखंड जी और पूरी टीम के साथ हमारे रवि ललावत जी, राजकुमार राठौर जी, समस्त कांग्रेस के पार्षद और पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष हमारे मावर साहब, इन सब के नेतृत्व में वार्ड नंबर 33 का हमने जनसंपर्क करा। निश्चित ही यहाँ से कांग्रेस विजय श्री का वरण करेगी और हमारे कार्यकर्ता में बहुत जोश है और जिस मतदाता के पास जा रहे हैं वो मतदाता भी हमारे विधायक जी के प्रति आश्वस्त है और उनके किए गए कार्यों की सराहना कर रहे हैं और निश्चित ही यहाँ से विधायक दिलीप सिंह जी गुजर हजारों मतों से विजय श्री का वरण करेंगे।